फोर एटी टू फोर एटी टू इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अमेबिक अमेबी इन द गट इज माइंडिक्लेक्सर अमेबीएस की मोस्ट कॉमन साइट होती है चाइल्ड विद सोलन जा शोज एन एल्स रेटी एंड फंग टाइप ऑफ लियन फ्राम इंटीरियर सिंध चाइल्ड विद सोलन जा शोज एन अल्सरेटिव एंड फंगेटिंग टाइप ऑफ लियन और अल्सरेटिव और फंगेटिंग टाइप ऑफ लियन है लियन एंड अंडर माइक्रोस्कोप यू फाइन द स्टेरेंस वायरस इज एसोसिएटेड विद योर डायगनोसिस एच आई वी वायरस स्टेरिस में मम्स वायरस इी वायरस इबी वीन बार वायरस चिकन कॉनिया वायरस तो उससे बोलना जहाँ और फंगेटिंग टाइप ऑफ लियन है और स्टेडिस का इसकी अपेयरेंस आ रही है माइक्रोस्कोप पे तो स्टेरिस काोस्कोपिक इसकी होती है और स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन की होती है उस कर कर शोग दे शोग दे शोग पे, और स्टेन बार वायरस कासिनोमा विच टिपिकली शोज अ अटेरिस का माइक्रोस्कोपी वट इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व इन दिस तो अब स्टेन बार वायरस में कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है एटीन नाइन ट्वेंटी टू बी है टी फोरटीन फोर्टी एट फोर्टीन एटीन सी पे बताया हुआ है 11 फोटीन और डी में बताया हुआ टी एट फोटीन तो अब स्टेन बार वायरस में टी ट्रांसलोकेशन होती है एट 14 पे अब स्टेन बार वायरस में एट 14 जो है ना उस पे ट्रांसलोकेशन होगी इस जीन पे टी एट फोटीन पे देन है एक पैराप्लेजिक प्लेजिक है हु नीड्स कैथिट्राइजेशन इंटरमीडियंट ऑफ़ कम्पलेमा एंड बैक पेन उसको होता है इन्वेस्टिगेशन डू यू डिस्कवर अ ब्लैडर स्टोन वट इज दी वेजिकल स्टोन लाइकली टू बी कम्पोज ऑफ वेजिकल स्टोन किस पे कंपोज ऑफ होगा यूरिकल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्जेट या सिस्टीन तो इसका आंसर है कैल्शियम फॉसफेट स्पाइन में और चिल्ड्रन के अंदर जो है ना वो आ, स्टोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट चिल्ड्रन में भी और अगर स्पाइन की इन्वालमेंट है जिस तरह उसने बता दिया कि बैक है उसको ये बैक पेन हो रहा है आ, तो ये होगा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन से और यूरिक होता है बाकी कॉमन है यूरिक एसड स्टोन तो इसमें होगा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन इन अड मैन विदाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वेजिकल स्टोन और कॉमनली यूरिक स्टोन होते हैं चिल्ड्रर्रर्रर्रर्रर में दे आर कॉमनली कैल्शियम ऑक्जीलेट और अमोनियम एसड यूरेट स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्जीलेट या अमोनियम एसड यूरेट स्टोन होते हैं चिल्ड्रन में दिस इज फॉर प्राइमरी वेजिकल स्टोन्स नॉट कमिंग डाउन फ्राम द किडनी ये प्राइमरी वेजिकल स्टोन हैं ये किडनी से नहीं आ रहे हैं ब्लैडर में तो ये होगा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होंगे ये डायलिसिस रिलेटेड जो होता है सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली ऑफ विच टाइप जब है कि डायलिसिस रिलेटेड भी सेल कार्सिनोमा हो जाता है तो ये कॉमनली विच टाइप होगा क्लेयर सेल कार्सिनोमा क्रोमोफोलिमफोमा यूरोन कार्सिनोमा तो ये होगा क्लियर सेल कार्सिनोमा नोट इफ द पेशेंट हैज अडल्टलिस किडनी डिजीज एंड हैज बी नॉन डायलिसिज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर पोलिसिस्टिक किडनी डिजीज का पेशेंट है और वो डायलिसिस पेफार गुचरसा के लिए है तो इसका मतलब है उसको पेपिलरी कार्सिनोमा होगा उसके अंदर वो कॉमन है अदरवाइज ये जो उसने बताया है डायलिसिस में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा क्लियर सर कार्सिनोमा तो अगर पोलिसिस्टिक uh, वाले पेशेंट है तो उसके अंदर पेपिलरी कार्सिनोमा होगा पेशेंट स्टेटस पोस्ट टोटल एबडोमिनल हिस्टोरक्टिमी हैज डिक्रीज यूरिन आउटवर्ड हेमाटूरिया की कंप्लेंट है हेमाटूरिया की और एबडोमिनल पेन की कंप्लेंट है बट इज द लाइकली इंजरी यूरी यूरीटेरल इंजरी ब्लैडर रेक्टम किडनी तो जो गैनिकोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ब्लैडर को इंजरी कॉमन होती है तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज है हिमाटूरिया भी है और साथ में एब्डोमिनल पेन भी है तो लाइकली इंजरी कहाँ पे होगी ब्लैडर में होगी तो इसमें स्टेन ये बताया कि कॉमन है इंजरीज कैनिकोलॉजी में ब्लैडर को एंड यूरिट्रल इज फॉलोड ब्लैडर उसके बाद यूरिटर को बायोलेटरल यूरिटल इंजरीज विल हैव एन यूरिया वाइल ब्लैडर इंजरीज विल नॉट तो अगर यूरेटर डैमेज हो जाता है बायोलेटरल यूरेटर डैमेज होता है तो तब जाके एनयूरिया होता है अदरवाइज ब्लैडर की इंजरी से उसको जनरल डिक्रीज होगा एन यूरिया नहीं होगा दि टेलस डज नॉट कम्युनिकेट विद विच ऑफ द फॉलो लास्ट टाइम भी आया था कि टेलस जो है ना लीस लाइकली uh, वो करी होती है कम्युनिकेट डज नॉट कम्युनिकेट विद दौ दि फॉलोइंग बोन्स तो वो थे द्यूबॉइड टेलस क्यूबाइड बोन के साथ कम्युनिकेट नहीं करती रोमेटिक फीवर हैज मैनी फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर बट डिस्टिंगटिव ऑफ रिमेटिक फीवर कौन से रेयर है बट डिस्टिंगटिव है इसका माइग्रेटरी पोलियार्थराइटस पी आई इंटरवल शॉर्टनिंग सर्डन हैम कोरिया सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, तो जो होता है रोमैटिक फीवर उसमें माइग्रेटरी पोलियारथराइट भी होगा पीआई इंटरवल शॉर्टनिंग होगी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी होंगे सर्डन हैम कोरिया जो है ना वो रेयर विच आर इज रेयर तो इसमें से साइड एंडकोरिया जो है ना ये रेयर है बट डिस्टिंगटिव फीचर है रोमेटिक फीवर का मेरे ख्याल शॉर्टनिंग भी नहीं होती है रोमेटिक में तो रेयर बट डिस्टिंगटिव फ़ीचर कौन सा होगा साइड एंडकोरिया थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस ओरिजिनेट फ्रॉम द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ विस स्ट्रक्चर तो थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस ओरिजिनेट होगा मिड ब्रेन से और मिड ब्रेन से किस लेवल से होता है सेरिब्रल क्रस इंफीरियर कोलिकुलस सेरिब्रल एक्यूडक्ट सुपीरियर कोलिकुलस तो थर्ड क्रेनियल रेकुलस मिड ब्रेन से सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल से ओरिजिनेट होगा ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम दी सुपीरियर कोलिकुलस दैन है ट्वेंटी एटर ओल्ड प्रेगनेंट वुमेन इन हर थर्ड टेमेस्टर कम्स टू यू विद टिंगलिंग एंड नमनेस इन हर इंडेक्स फिंगर और थम में एंड इंडेक्स फिंगर थ में उसको टिंग्लिंग सेंसेशन होती है एंड नॉन स्पेसिफिक पेन है इन द रिस्ट वट नर्व इज रेस्पॉसिबल फॉर दिस मीडियन अल द रेडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व तो अगर इंडेक्स फिंगर और साथ में कौन सा फिंगर है थम यहाँ पे टिंग्लिंग सेंसेशन हो रही है और रिस्ट पर भी नॉन स्पेसिफिक पेन है तो लेटरल साइड पे मीडिया नर्व होती है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी मीडिया नर्व इन दी इज़ द नेम ऑफ सिंड्रोम एंड डज द नर्व पास तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है टनल सिंड्रोम होता है क्योंकि मीडिया नर्व बिलो द फ्लैक्स रटने पास करी होती है तो ये ऑप्शन है टनल सिंड्रोम और मीडियन नर्व पास करते हैं बोध रटने केला बिलो दी तो फिर ये गयोन का इन सिंड्रोम भी पूछा हुआ है तो ये कौन सा होगा टनल सिंड्रोम होगा और ये बिलो दी फ्लैक्स रटने का पास करी होती है देन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना ट्रैक इज नॉट डैमेज इन द लियन ऑफ द इंफीरियर सेरिबुलर पोडंकल अगर इन्फीरियर सेरिबुलरल पेडंकल का डैमेज uh, होता है लियन ऑफ इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल में कौन से ट्रैक नहीं डैमेज होगा इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल के लेवल पे क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक और लीवो सेरिबेलर ट्रैक ट्रैक पोन्टोसेरिबेलर ट्रैक इसका आंसर है डी पोटोसेरिबेलर ट्रैक जो है ना वो नहीं डैमेज होगा इंफीरियर सेरिबेलर पंडल का होता है तो पोटोसेरिबेला ट्रैक नहीं है, वो होगा डैमेज तो इसका कमेंट में मैं लिख दूंगी डिटेल देख के फिर इसकी क्या एग्जैक्ट डिटेल है सेरिबेलर ट्रैक पासिस फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक है वो पास करता है मिड ब्रेन से लोब तो वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक पास करेगा इन्फीरियर so, से इन्फीरियर से वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक पास करता है इसका मतलब है ट्रैक यहाँ से इनफीरियर वाले पास कर रहा होता है इस वजह से तो डैमेज नहीं होता है तो वेस्ट ट्यूबरस एरबेल यहीं से पास करता है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मेन स्पोर्टिंग लिगामेंट ऑफ द यूट्रस मेन स्पोर्टिंग लिगामेंट ऑफ़ द यूट्रस कौन सा होता है पेरिटोनियल लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस फ्यूबर सर्वाइकल लिगामेंट कार्डिनल लिगामेंट कार्डिनल मतलब हार्ड एक चीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो जो कार्डिनल लिगामेंट होता है ना वो यूट्रस का मेन स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है फिर उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट आता है थर्टी फाइव ईयर ओल्ड वुमेन है हुई है टू हैड अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी तो नाइनटी सिक्स एमसीज में है कि एक थर्टी फाइव ईयर ओल्ड वुमेन है हुई इज पैरा टू हैड अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज no wishes to get pregnant again she has been trying for the 3 years without any success 3 years without any success she uh, says they that the past 3 years uh, she has experienced dyspareunia dysmenorrhea and dyschezia what is the likely cause of subfertility endometriosis pelvic inflammatory disease premature ovarian failure पी तो इसमें ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन बन रहा है एंडोमेट्रियोसिस जिसमें डिसोनिया डिसमेनोरिया और डिस होता है अ मानिक्यूल बाइंड टू एन इंजाइम एंड इज एबल टू चेंज द प्रोटीन कन्फर्मेशन रिजल्टिंग इन द प्राइमरी लाइगेंड नॉट बीइंग एबल टू बाइंड टू द इंजाइम व्हाट इज दिस मानिक्यूल कॉल्ड तो ये क्या है कि एक मालिक्यूल बाइंड करता है इंजाइम के साथ एंड इज एबल टू चेंज द प्रोटीन गफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन दी प्राइमरी नॉट एबल टू बाइंड टू द अब जो सर है वो बाइंड हो सक रहा तो उनसा हो, uh, ये क्या उन होगा ये मालिक्यूल्ड अर्थोस्टेरिक मालिक्यूल एलोस्टेरिक मोड्यूलेटर एलोस्टेरिक एगोनिस्ट तो ये होगा एलोस्टेरिक मोड्यूलेटर तो इस वजह से वो वहाँ पे बढ़ नहीं हो रहा ए मेल है कम्स टू यू इन द ही हैज़ रिसेंटली फेल्ट पेन इन द रिस्ट एंड टैपिंग ऑन टैपिंग इट प्रोड्यूस द टिंगलिंग इन हीज़ मिडल रिस्ट में पेन है और टैपिंग पे मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में उसको टिंगलिंग समटाइम्स द शार्प शूटिंग पेन भी होता है तो यू हैव हिम प्रेस हीज पाम्स टू टाइटली uh, दोनों पाम्स एंड विच द पेन दोबारा उसको पेन हो रहा है तो वट इज़ दी नर्व इंजर्ड मोस्टली क्यूटेस नर्व मीडियन क्यूटेनियस नर्व ब्रांच ऑफ है मीडियन नर्व तो ये कौन सी होगी मीडियन नर्व होगी क्योंकि जो इंडेक्स फिंगर का थम का मिडल फिंगर का अगर पेन होता है टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है और अब दोनों पाम्स को मिला के फील करते हैं तो उसको पेन हो रहा है तो इसका मतलब है ये मीडियन नर्व टिक डैमेज किया जा सकती तो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट इज यूज इन रीनोग्राफी आयोडीन गैडोलिनियम डी टी पी एडी आयोडोहिपोरेट तोरिनोग्राफी में डी टी पी ए यूज करते हैं डी टी पी ए वर्ट मेयर्स कैन वन टेक टू डिक्रीज चांस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफर नेपैथी का चांस जो है ना कैसे हम कम कर सकते हैं स्टॉप फ्लुड बिफोर टेस्ट आई वी एन एसीटाइलिसटीन देने से बीटा ब्लॉकर्स डायलिसिस तो एन एसीटाइलिस अगर आप आई वी देते हैं तो इससे क्या होता है आ, रिस्क को ये डिक्रीज कर देती है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी नहीं होने देगी अगर आपने कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी से है तो पहले आपने आई वी उसको पेशेंट को लगाना है कॉन्ट्रास्ट इंडियोस इंजरी में एच आई वी पेशेंट है और पॉजिटिव एच आई वी का चाइल्ड कम्स टू यू इन चाइल्ड क्लिनिक में आता है विच वैक्सीन इज कौर इंडिकेटेड इन द चाइल्ड बी सी जी निमोकोकलोपीवी हैपेटाइटिस बी वैक्सीन तो एच आई वी के पेशेंट्स के अंदर बी सी जी वैक्सीन जो होती है वो कौंटा इंडिकेटेड होती है ये लाइव एटेड होती है बी सी जी इस वजह से यू आई थिंक इसका ऑप्शन है यू आर अ पैथोलॉजिस्ट रिव्यूइंग अ ब्लड स्मेयर यू नोटिस होल जोली बॉडीज एंड आर बी सी दीज आर कॉज्ड वेन ए प्लास्टिक ए सप्लिनिया पोस्प्लीनेक्टमी मलेरिया के इन्फेक्शन सिकल सेल्ट गोचर डिजीज तो ए सब्लिनिया पोस्ट्लिन में होवल जोली बॉडीज बन जाती हैं आरबीसीज़ के अंदर तो ये क्या होगा पोस्प्लीनेक्टमी जो सप्लिनिया होगी तो उसके सप्लीनिया में ये बन जाती हैं विच ऑफ़ दी फॉलोइंग कैन हेल्प इन एट्रोकोनल पोलिप बिंग डायग्नोज एट्रोकोनल पोलिप्स हैं वो एट्रोकोनल पोलिप्स का हमने पीछे पढ़ा था कि ये मैगजिलरी साइनस में बनती हैं और टूवर्ड्स तो द नीजोफेरेंगस जा रही होती हैं तो इसको विजो हाँ द फॉलोंग कैन हेल्प इन एट्रोकोनल पोलिप्स बिंग डायग्नोज तो इसके लिए एंटीरियर एनोस्कोपी करेंगे नेजल एंडोस्कोपी करेंगे और पस्टीरियर एनोस्कोपी करेंगे एक्सरे वेटर्स व्यू करेंगे तो इसके लिए नेजल एंडोस्कोपी करेंगे तो एंड्रोकोनल डाइव्स के जो पोलि होते हैं उसको डायग्नोज कर सकते हैं इकाइनोकोकस जो है इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्मॉल इंटस्टाइन ऑफ डॉग्स में यस yes, एक डॉग की शेप बनी हुई होती है अक्सर डायग्राम में तो वहाँ पे इकाइनोकोकस होता है स्मॉल इंटस्टाइन ऑफ डॉग्स में इसके अलावा ब्लड ऑफ डॉग ह्यूमन लीवर शीप ब्लड तो इकाइनोकोकस किस में होता है इन फॉलोइंग प्लेस स्मॉल इंटस्टाइन ऑफ डॉग्स ये आ गया स्मॉल ऑफ डॉग्स में डेफिनेटिव क्योंकि जो है डॉग इनका डेफिनेटिव होस्ट होता है तो वहाँ से ह्यूमंस में ज्यादा है ह्यूमंस कैन भी इन्फेक्टेड डायरेक्टली बट डॉग्स तो ह्यूमंस या इसमें क्या होगा इंजेक्शन ऑफ एग्स ये जो है डॉग्स में इंजेक्शन ऑफ़ एग्स इन फीसिस वहाँ से इंटरमीडिएट होस्ट शिप गोट्स स्वाइन में जाएगा और वहाँ पे इसने हाइड्रेटेड सिस्ट बनानी है लीवर और लंग्स में ऑफ द शीप एंड गोट्स के अंदर वहाँ से इंजेक्शन ऑफ सिस्ट से फ्राम इंटरमीडिएट होस्ट ऑर्गन वहाँ से डेफिनेटिव होस्ट डॉग चल जाएगा इसके बाद है नेगरी बॉडी ऑफ द जिनोम डिजीज नेगरी बॉडीज में होती हैं फरंटोटेपोरल डिमेंशिया में अल्जाइमर प्रायन स रेबीज तो रेबीज मेन एंटीबॉडीज होती हैं मैन प्रेजेंट करता है टू यू विद द हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है कोलेस्ट्रोल के लेवल ज़्यादा है पेरी ऑर्बिटल अडीमा है और एंकल पे भी अडीमा है एंड फ्रोदी यूरिन ही इज डायग्ग्नोज विद नेफ्रोटिक सिडोम विच ऑफ दॉलोइंगज म्प्लीकेशन ऑफ नेफरोटिक सिंडोम नेफ्रोटिक सिंडोम की अपनी कॉम्प्लीकेशन बताते हैं ऊपर नेफ्रोटिक सिडोम के फीचर्स बताए हुए हैं कि हाइपर है है कोलेस्ट्रोमिया होता है पेरी ऑर्बिटल अडीमा होता है एंकल अडीमा होता है फ्रोदी यूरिन होता है तो नेफ्रोटिक सिडोम की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी डायबिटीज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एम्बोलोजम एड्रीनल क्राइसिस हाइपोथराइडिज्म तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से डायबिटीज़ तो नहीं हो सकती ना ही एड्रीनल क्राइसिस में बिशने जा सकते और ना ही हाइपोथाइराइडिज्म की स्टेट हो सकती है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से हो जाएगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड इन्फेक्शन इन्फेक्शन में आ जाता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एम्बोलिज्म कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और हाइपोवलीमिक क्राइसिस, एनीमिया और एक्यूट रीनल फेलियर क्राइसिस हाइपोविलेमिक यहाँ पे रीनल क्राइसिसीचर ऑफ द सिस्टेमिक ल्यूपस सिस्टेमिक ल्यूपस में क्या होगा वीएर होगा पोलियार्थराइटस होगा कूम्स पॉजिटिव टेस्ट होगा आईटीपी होगा तो ल्यूपस में पोलियर्थराइटस होगा एस सिस्टमिक ई सिस्टमिकुपस में क्या होता है मल्टीपल जेंट्स की इन्वालमेंट होती है पोलियर्थराइटिस होता है तो बाकी पॉजिटिव टेस्ट आईटीपी वगैरह नहीं है पोलियर्थराइटिस होगा यंग वुमेन कम्स टू यू विद रिपीटेड मिस कैरेजेस यू फेयर दिस माइट बी बिकॉज ऑफ आ हाइपरकॉगलेबल स्टेट की वजह से हो सकता है एंड ऑर्डर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज तो वट आर यू सस्पेक्टिंग इन दिस स्पेशल एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज अगर आपने करवाई है तो आप कौन सा अलेवल्स करवा देते हैं वो ए पी एल ए सिंड्रोम फैक्टर फाइवी थ्री डी ए पी एल ए एंटीफॉस्फोलिपिड एंटी एंटीबॉडी सिंड्रोम या क्रेस सिंड्रोम तो अगर मिस कैरेजिज बार बार हो रहे होते हैं तो इसकी क्या कॉज होती है यही कॉज होती है ए पी एल ए सिंड्रोम की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कलर चेंज इन बेनडिक्स टेस्ट तो बेनडिक्स टेस्ट में Uh, किसकी वजह से नहीं आ रहा कलर चेंज सक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज गलेक्टोज तो सुक्रोज की वजह से नहीं आता तो इसमें ये टेबल में बताया हुआ है कि बेडिकट्रिया कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ब्लू सॉल्यूशन नन ग्रीन येलो पीपीटी ट्रेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है अगर ग्रीन येलो पीपीटी हो है पीपट तो इसमें ट्रेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ऑरेंज रेड पिपट है तो ओ oh, मॉडरेट है और फिर आ जाता है ब्लैक रेड पीपल लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है ब्रिक रेड में लार्ज अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर है ऑरेंज में मॉडरेट है ग्रीन येलो में ट्रेसिस है ब्लू में ब्लू में नो है इसका मतलब यहाँ पे ब्लू में हमने सिक्रोस डाला था क्योंकि सिक्रोज के अंदर नहीं बनेगा कल कलर चेंज नहीं होगा बैंडिक्स टेस्ट के जैसे सुक्रोज है सुक्रोज के लिए अलग टेस्ट होते हैं देन है यूरोबिलोजन इज फॉर्मड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोजन किस में uh, बनती है इंटस्टाइन किडनी लिवर ब्लड तो यूरोनोजन जो है ये बनती है स्मॉल इंटस्टाइन इंटस्टाइन में यूरोबिलोजन बनती है यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म फ्रॉम दी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोनोजन बनती है इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिलेबिन बिलोरबिन से यूरोबिलिनोजन बनती है बिलरोन कंजुगेटेड बिलोरबिन होती है तो बैक्टीरियल प्रोटीज़ के ऊपर ऐड करता है तो उसकी वजह से बन जाएगा यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन टेन परसेंट यूरोबिलिनोजन बाकी एक्सक्रीट वगैरह हो, हो रही है तो इसका मतलब है बिलीरुबिन से यूरोपिन बिले, यूरोबिलिनोजन बनती है अनकंजुगेटेड बिलरोबिन है अनकंजुगेटेड बिलडोबिन के बाद कंजुगेटेड बिलोडोबिन हो जाएगी हीपटोसाइड्स के अंदर वहाँ से बिलरी सिस्टम में जाएगी और ये बिलरी सिस्टम से आगे कंजुगेटेड कंजुकेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन में बर्वे प्रोटीलेज एक्ट करेंगे और कंजुगेटेड बिलरेजन ज्यूरो बिलरोजन बन जाएगी नेक्स्ट में है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिस हाईलाइन वाइट इलास्टिक कैल्सीफाइड कार्टिलेज कार्टिलेज भी पूछे हुए होते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी कार्टिलेज होती है इसकी एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट लोकेशन बताई हुई है कि कहाँ कहाँ पर होती हैं तो यहाँ तक फ़ाइव टेन तक एम ची हो गए हैं